बता रहा हूँ, पहले बार हमको तो कुछ पता भी नहीं था यहाँ पर कोचिंग चलता है। हम रहते थे अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर हम पढ़ाया करते थे स्कूल में। कम्प्लीटली हमारा मीडियम जो था पूरा इंग्लिश, अभी भी हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ाते हैं। तो हमको किसी अपने आदमी से ही पता चला कि राहुल सर नाम का एक आदमी है यहाँ पर, कोचिंग चलाता है और वहाँ का जो रिजल्ट है मतलब अच्छा होता है। तो हम भी सोचे कि चलो रास्ता से गुजर रहे हैं तो थोड़ा सा मुलाकात कर लेते हैं। तो आए, सर से बात हुआ, बहुत ज़्यादा देर का बात भी नहीं हुआ, थोड़ा सा जो बात हुआ उतना में ही हमको लग गया कि ना हमको यहाँ पे एडमिशन लेके कम से कम लास्ट प्रयास हमारा जो बचा है वो करना चाहिए। हम यहाँ पर आए, क्लास शुरू किए। ऐसा नहीं है कि मतलब क्लास हमारा गैप भी हुआ हो, क्लास भी हमारा पूरा कंटिन्यू चलते गया। शायद हमको लगता है एक साल में एक दिन या दो दिन हम एब्सेंट हो। तो सर जैसे जैसे हमको बताया हम वैसे ही करते चले गए। हिंदी मीडियम से सर तो बीच बीच में इंग्लिश थोड़ा बहुत बताए हैं, जितना आता है बताएंगे। हिंदी से ही पढ़ाते थे। अब हिंदी को हम यहाँ से पढ़ के जाने के बाद घर में अपना इंग्लिश को उसको ट्रांसलेट करते थे। उसके बाद पढ़ाई किए। आप लोग नहीं मानिएगा, प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करना कितना चैलेंजिंग काम है। यहाँ से काम करने के बाद रोजाना एक साल का हिसाब के लिए 8 घंटे पढ़ाई, इतना पढ़ाई करने के बाद तब जा कर के सीटेट जो है निकला हमारा, और अच्छा नंबर से निकला सर के दया से। सर का मेहनत भी था, हमारा भी मेहनत था, और नंबर तो सर को पता ही है। घर पर हम क्या बताएं, 105 नंबर बिठाइए। तो ज़्यादा हम क्या बोले, अपना मुँह से अपना तारीफ करना भी ठीक नहीं लगता है। इतना भी जो भी कुछ हुआ है सब सर के बदौलत ही हुआ है। इनसे जो मोटिवेशन मिला वो मोटिवेशन हमको बहुत काम किया। दूसरे के तारीफ करना जरूरी है। यहाँ पे आप पहुँचे तब ना आप, सर जो है जोर दे रहे हैं मतलब कुछ अलग कारण से, वो एक्चुअली हमारा साली लगेंगे। तो वो यहाँ पर पढ़ के निकली थी, पास हुई यहाँ से। तो मेरी साली बताई हमारे मैडम से, और हमारे मैडम से बोली ब्लड रिलेशन बहुत लंबा था, वो दिमाग में था हमारा, तो इसीलिए सर से थोड़ा भेद मुलाकात हो गया। लेकिन एक प्रिया रानी थी जो कि इनसे पहले वो बैच में पढ़ के पास होके गई हैं, वो बताई कि जाइए ना जाके, अब कितना दिन उधर रहिएगा, अब आ गए कोरोना में तो अब जाके पढ़ लीजिए। तो आए, तो आए पहली बार तो थोड़ा सा हम इनको देखे, फिर बोले कि अच्छा ठीक है तो एडमिशन करवा दीजिएगा। हमें क्या पता था कि यही है, तब एक मिनट जब बात हुई तो पता चला कि नहीं, तो एम के सिंह का ही एडमिशन लेना है, कहीं चलिए आ गए तो अब आपके पास समय नहीं है। सबसे पहले इनको ये बात बताएं कि अब आए हैं तो ये आपका अंतिम प्रयास नहीं है, और ये आपका 100% होना ही चाहिए। इसलिए तो ये बताएं कि देखिए ना सर, हमारी मजबूरी है, हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं। तो हम बोले दिक्कत तो कुछ नहीं है इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो, लेकिन पढ़ाएंगे हम हिंदी मीडियम में, आपको जो चीज़ें हैं प्रोवाइड हम जरूर कर देंगे बाई लिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में इनको नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं, उसको भी देख रहे थे, और जो क्लास चल रहा था निरंतर रहेंगे, कंटिन्यू रहें, और कंटिन्यूटी का फायदा भी हुआ कि 105 की कितना है जी, 105 मार्क्स लेके आए हैं, और ये प्रथम प्रयास में और इस उम्र में लेके आए हैं, बहुत बड़ी बात है। बाल इनका भले ही तरह से अभी काला दिख रहा है, इसमें कुछ कुछ का कमाल है, थोड़ा थोड़ा सफेद हल्का हल्का हो गया, कुछ बाल में नहीं है। एक आदमी, चलिए बहुत बड़ी बात है, और भी एक आदमी जिसका योगदान जो है भुलाया नहीं जा सकता है, वो है मेरी माता जी। मेरी माता जी आप लोग नहीं जानते हैं, वो बीमार रहते हैं, उनको हाई प्रेशर भी है, शुगर भी है, मतलब बीमारी ना जाने कितना है, पूरा शरीर बीमारी से भरा हुआ है, और हमारा एक छोटा सा बच्चा है। अब मैडम है तो मैडम घर का काम करेंगी कि बच्चा को संभालेंगी, मुश्किल हो जाता है, पढ़ने का समय भी कभी कभी नहीं मिलता है। तो मेरे माता जी जो है इसमें बहुत सहयोग की, दिन भर बच्चे को बीमार होने के बावजूद भी पकड़ के रखती थी और हमको पढ़ने का समय दी। तो उनका योगदान और हमारे गुरु जी का योगदान जो है।